विंध्यनायक श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी का जन्म 17 सितंबर 1926 को उनके ननिहाल शाहपुर जिला रीवा में हुआ था। मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में मां कौशल्या एवं पिता मंगलदीन तिवारी के घर तीसरे पुत्र के रूप में जन्मे श्रीनिवास तिवारी। प्रारंभिक शिक्षा पिता स्वर्गीय मंगलदीन तिवारी के कुशल एवं कठोर अनुशासन एवं मार्गदर्शन में हुई। श्रीनिवास तिवारी प्राथमिक शिक्षा से ही एक मेधावी छात्र रहे। श्रीनिवास तिवारी ने प्रारंभिक शिक्षा ग्राम देवनी में एवं स्कूली शिक्षा मार्तंड स्कूल में पूर्ण करने के बाद दरबार कॉलेज से एमए और एलएलबी में उच्च शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन से ही श्रीनिवास तिवारी पर समाजवादी आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। कक्षा 8वीं में मार्तंड स्कूल में छात्र थे तभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। दरबार कॉलेज में आकर उन्होंने डिबेटिंग क्लब बनाया एवं दरबार कॉलेज के महामंत्री भी रहे। श्रीनिवास तिवारी में अद्भुत संगठनात्मक क्षमता थी। राजनीति की बारीकियों और उस दौर में समाज की स्थिति को करीब से देखते हुए सामंतवाद के विरोध में 23 साल के ऊर्जावान युवक श्रीयुत ने बखूबी भांप लिया था कि भविष्य में उन्हें किस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। और इसके साथ ही शुरू हुआ श्रीयुत का राजनैतिक सफर। मेधावी छात्र से प्रखर वक्ता और समाज सेवा के भाव से राजनीति में कदम रखा और 1952 में सबसे कम उम्र के विधायक बनने का गौरव भी श्रीनिवास ने हासिल किया। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित श्रीयुत को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भरपूर स्नेह और साथ मिला। जमींदारी प्रथा का विरोध करते हुए उन्हें जगदीश चंद्र जोशी, यमुना प्रसाद शास्त्री, चंद्र प्रताप तिवारी, अच्युतानंद मिश्रा, शिव कुमार शर्मा तथा लक्ष्मण सिंह तिवारी जैसे महान हस्तियों का साथ मिला। श्रीनिवास तिवारी ने जमींदार प्रथा के विरोध में मध्य प्रदेश के विधानसभा में लगातार 7 घंटे तक भाषण देकर इतिहास रचा था। किसानों एवं मजदूरों की पीड़ा श्री तिवारी से देखी नहीं गई और वे सामंतवाद के विरोध में लोहिया द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में सक्रिय हो गए। 1948 तक 50% किसान जमीन से बेदखल किए जा चुके थे। श्रीनिवास तिवारी, यमुना प्रसाद शास्त्री और जगदीश जोशी ने संयुक्त एवं पृथक रूप से रीवा एवं सीधी का दौरा किया और जहां किसान बेदखल किए गए थे संगठन बनाकर सरकार को बेदखली के निर्णय को वापस लेने के लिए विवश किया। विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सर्वाहार समाज के विकास की अवधारणा और वंचित तबके के उत्थान की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए श्रीनिवास तिवारी ने सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी। राजनीतिक उठापटक और पक्ष विपक्ष में बैठना लगा रहा। दादा के लिए राजनीति के मायने सिर्फ अपने लोगों का साथ और उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़ना था, जिसका उदाहरण स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और बाद में किसान गरीब के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। श्रीनिवास तिवारी की सोच थी कि राजनीति में शिक्षित और ऊर्जावान लोगों का बढ़ चढ़कर आना आगे जरूरी है। विंध्य की जनता, विंध्य की माटी के लगाव के कारण कई अवसर मिलने के बाद भी श्रीनिवास तिवारी कभी केंद्र की राजनीति में नहीं गए और हमेशा कहते रहे, मुझे रीवा में रहना है, मुझे अपनों के बीच रहना है, मेरे लोग, मेरे विंध्यवासी ही मेरी ताकत हैं। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी बातें, उनकी कहानियां विंध्यवासियों के मन में, दिलो दिमाग में हमेशा रहेंगी। विंध्य का गौरव श्रीयुत, एक अजय योद्धा। कि सब लोग उठें और जनता के साथ उठ करके हमें अब आगे का संघर्ष करना चाहिए।